नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में। दोस्तों, इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच में आज वुमेन्स के बीच में बेहद ही रोमांचक मुकाबला खेला गया और इस रोमांचक मुकाबले में भारत की हार हुई है और इस हार के बाद से ही भारत का सेमीफाइनल में पहुंचने का सपना और इस साल ये वर्ल्ड कप जीतने का सपना टूट चुका है। यानी भारतीय टीम अब पूरी तरह से इस वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि भारतीय टीम ने कहाँ पर क्या गलतियाँ की जिसकी वजह से टीम इंडिया हार गई, और विश्वास मानिए लास्ट के जो ओवर में दीप्ति शर्मा ने गलती की है उसी वजह से टीम इंडिया कहीं ना कहीं काफी हद तक हारी है। इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। इन गलतियों से हारी मिताली राज की टीम इंडिया, ले डूबी आखिरी ओवर। भारतीय क्रिकेट टीम आईसीसी महिला वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गई है। उसे दक्षिण अफ्रीका ने आखिरी लीग मुकाबले में 3 विकेट से हराया। आखिरी गेंद तक चली लड़ाई में भारतीय टीम को निराशा मिली है। इसके साथ ही वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में पहुंचने का मौका भी भारत के हाथ से निकल चुका है। भारत ने पहले खेलते हुए 7 विकेट पर 274 रनों का स्कोर बनाया था। दक्षिण अफ्रीका ने भी 7 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। तो किन वजहों से टीम इंडिया को ये शिकस्त मिली है, चलिए बात कर लेते हैं। आखिरी 10 ओवर में 51 रन। भारतीय टीम अपनी बैटिंग के दौरान 40वें ओवर तक बहुत ही ज्यादा मजबूत स्थिति में थी। उसने केवल 3 विकेट ही गंवाए थे और 223 रन बना लिए थे। इसके बाद भारत का स्कोर 300 के आसपास जाता दिख रहा था, मगर टीम इंडिया ने 4 विकेट गंवा दिए और आखिरी 60 गेंदों पे केवल 51 रन बनाए। इससे भारत 280 रनों तक भी नहीं पहुंच सका और आखिर में ये टीम इंडिया पर भारी पड़ गया। इसके अलावा तेज गेंदबाजों से मिली है निराशा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ करो या मरो के मुकाबले से पहले अनुभवी तेज गेंदबाज झूलन गोस्वामी चोट के चलते बाहर हो गई। ऐसे में टीम इंडिया को मेघना सिंह और पूजा वस्त्राकर के भरोसे रहना पड़ा। ये दोनों युवा तेज गेंदबाज पहली बार वर्ल्ड कप का हिस्सा बनी हैं, साथ ही अनुभव की कमी भी साफ दिखी। मेघना और पूजा दोनों ही विकेट निकाल पाने में नाकाम रही। पिच वैसे भी बैटिंग के लिए मददगार थी, लेकिन जिस तरह से दक्षिण अफ्रीकी तेज गेंदबाजों ने बदलाव किए वो भारत की पेस जोड़ी नहीं कर पाई। साथ ही साथ अहम मौके गंवाए। मुकाबले के दौरान आखिरी ओवर्स के दौरान भारत को कई मौके मिले थे, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने इन्हें गंवा दिया। राजेश्वरी गायकवाड़ के ओवर में स्मृति मंधाना ने आसान सा कैच टपकाया। इसी तरह कुछ मौकों पर फील्डिंग में भी ढिलाई दिखी। दक्षिण अफ्रीकी बल्लेबाज ने रन चुराने में तेजी दिखाई जिससे भारत के फील्डर दबाव में आ गए। ऐसे में भारतीय खिलाड़ियों ने मिस फील्डिंग भी की, कुछ मौकों पर चौके भी निकल गए, कई बार थ्रो सही से नहीं फेंके गए, इससे रन आउट के चांसेस भी मिस हुए हैं। साथ ही साथ आखिरी ओवर जिसमें एक नो बॉल फेंकी गई वो टीम इंडिया पर बहुत ज्यादा भारी पड़ा। दक्षिण अफ्रीका की पारी के आखिरी ओवर की चौथी गेंद नो बॉल थी। इस गेंद पर दीप्ति शर्मा ने मिग्नॉन डू प्रिया को कैच करा दिया था, लेकिन उनका पैर लाइन से बाहर था। ऐसे में डू प्रिया को जीवनदान मिला और भारत की हार तय हो गई। तो देखिए किस तरह से टीम इंडिया बिल्कुल जीता जीताया मैच हार गई, और अगर ये हार मिली है भारत को तो इसमें भारतीय खिलाड़ियों की बहुत बड़ी गलती थी। तो यही था वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, इसे शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।